फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो यार, आज घर आने के बाद, ये घर से आज नई वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो बेसन की बोरी खुली पड़ी है, ये कल मुझे लग रहा है कि पिसवा के लाए चक्की से, तो ये गर्म रहता है तो इसको खोल देते हैं फिर सही हो जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। फिर उसमें वो जैसे ना जम जाता है, उस टाइप का हो जाता है। ये सारा सामान वहाँ जाएगा, दुकान जाएगा, कुछ ये झोले में रखा हुआ है। और अंदर चलें, किचन में देखें क्या हो रहा है। भाई, किचन अब ऊपर नहीं है, मम्मी को आने जाने में दिक्कत होती थी ऊपर जाने में, तो यहीं पास में ही पूरा सब सेट कर लिए और खाना ही बन रहा है। ये देखो, टमाटर वगैरह कटे पड़े, ये सब्जी और इसमें चावल, ये सब। किसी का फोन आया, मम्मी बात कर रही। तो सब्जी लगभग पक गई है, ये धनिया कटी रखी हुई, धनिया भी डालना है इसमें। रोटी बन रही, तवे पे एक रोटी पड़ी है, एक उधर। तो भाई, खाना बन गया और पापा खाने जा रहे हैं सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना, और फिर खाना खा के जाएंगे वहाँ की दुकान। आ गया, पैर नहीं छूना मामा का, अरे पैर नहीं छूना मामा का। ये देखो कैसा लग रहा है, दांत टूट गए हैं। देखो ममता दीदी, नमस्ते। आज है मामा के यहाँ मुंडन, इसीलिए दुकान वगैरह सब बंद और सारे लोग जा रहे हैं अब निमंत्रण में। हम हैं, मम्मी भी जाएंगी, ममता दीदी और वंश भी आया है, सब लोग जाएंगे। मामा का ई रिक्शा है, उसी से जाएंगे। बंद करो। वंश यहाँ आके पहले से ही बैठे हैं। दांत कैसे टूट गया? अरे दांत नहीं टूटा हमारा, वो गैप है, दांत में गैप है, वो हम बैंड लगाएंगे सही हो जाएगा। ये सब सारा सामान सब जाएगा, ये बैग और वंश। वंश तुम चलाओगे? अच्छा ठीक है। अगर कुछ इधर उधर हुआ गाड़ी में तो ऐसे ये जो दांत दो चार बचे हैं ना, सब तोड़ देंगे। सब लोग ई रिक्शा से निकल लिए मामा के यहाँ, सब बैठे। ये देखो मम्मी भी है, सब लोग हैं, आगे मामा चला रहे हैं और वंश भी बैठा हुआ है। जिद्दी है, कह रहे थे पीछे बैठ जाओ, नहीं बैठा। भाई सारे लोग क्यों खड़े हो गए? ट्रेन जा रही है, आगे देखो गेट बंद है, गेट बंद है, बस निकल गई। अब गेट खुलेगा तो सारे लोग फिर आगे बढ़ेंगे। गाड़ी निकली, उसके बाद अब दूसरी गाड़ी आ गई। इतनी देर से वेट कर रहे हैं, करीब 15-20 मिनट हो गया, और दूसरी वाली जो गाड़ी है वो मालगाड़ी। देखो सारे लोग निकल रहे हैं, गेट खुल गया है, हम लोग भी बढ़ेंगे। ये भाई, जो रूट ज़्यादा बिजी रहते हैं उनमें क्या होता है कि जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग रहती है वहाँ ओवर ब्रिज वगैरह बन जाता है, बट ये गाँव के जो छोटी मोटी सड़कें हैं ज़्यादा बिजी नहीं है। तो वहाँ क्या सीन है कि अभी वही पुराना सिस्टम है जो रेलवे फाटक वगैरह, तो ये जब ट्रेन आएगी तो बंद रहेगा। अब जितनी देर तक बंद रहेगा फिर ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक होगा तो लोग इकट्ठे होंगे परेशान, तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ट्रैवल करके घर से आ गए मामा के यहाँ, पहुँच गए एकदम। आ गए, जय हो भगवान जी, भैया आ गए। अभी निकल रहे हैं दूसरे वाले घर पे, वहाँ पे मुंडन भी होगा और जो नए कपड़े वगैरह हैं वो सभी पहनाया जाएगा जो मामा के बच्चे हैं उनको। चलो चलो, चलो 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 सारे जन। ये जग गया है, मना ही आगे। कहाँ गिरा दिए पता ही नहीं चला। मामी मिसिंग है इसीलिए बुलाने गए। आधे लोग आगे आधे लोग पीछे,
आ रहे हैं सब, अब इकट्ठे हो के तब जाएंगे साथ में। आधे लोग निकल गए। हमें दगाक दिखाओ इधर, चलो 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 एक बार दगाक दिखाओ। हमें दगाक दिखाओ। जगह नहीं है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ एक तो रोड है ना, ये साधन भी आ जा रहे हैं, यही लोग भी खड़े हैं। चलो जी मुंडन हो गया, बाल सारे सफा। हाँ थोड़ा छूटा है, वो साफ करें। कोई नहीं कोई नहीं। नहीं
चलो भाई मुंडन हो गया, प्रसाद वितरण वगैरह हो गया, प्रसाद वगैरह खा लिया और अब वापस चलेंगे घर, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा वगैरह पहनाएंगे बच्चों को और फिर खाना पीना आगे ये सब भी देखना है। सारे लोग देखो भैया तू आगे आ जा। चलो भाई घर वापसी। आराम से जाओ, वंश पकड़ लो तुम। हाँ पकड़, कोई नहीं बैठे जाओ, जा जाओ पहले जाओ। भाई वापस लौट के आ गए घर। अब प्लान ये है कि यहाँ बच्चों का जिनका सबका मुंडन हुआ है उनको नए कपड़े जो आए हैं वो सब पहनाया जाए। हाँ ये डालो, कुर्सी पे इतनी मिट्टी लगी है, बताओ ये टेंट हाउस वाली कुर्सी है ना? बहुत सही। अरे बर्तनों तो सुबह हम सब धुला साबुन लगा लगा। अरे भगवान, कहाँ कौन से टेंट हाउस से आए? पैसा सब पूरा पैसा ना देना जब स्वामी को करना है। तो आप तो पहनाओ ऊपर से टी शर्ट। इनके कृष्णा नाम है ना, इनके सामान इधर आ जाइए, ये हटाओ तो ये हटा, इधर बैठो, इधर मम्मी है, मुंह सटने के लिए दिक्कत ना हो, अच्छे से बिछाओ। हाँ अब सही हो। अरे बड़े आराम से धुलाए साहब, हम आधा आधा यही कम्बल हुआ तो आधा डाल के धुल लीजिए, फिर आधा धुल लीजिए। पहले वादी मलाई ये तुम्हारी नु करवा लेना, उंगली साइज करो तो जाए। हाँ अब हाँ टाइट कर देनी, निकल जाइए मामी, मामी कर ना बैठी है, देखा था आगे आ जाना इधर। कहाँ है ये? इतना भारी हो जाए हाथी। अरे बढ़िया बात है, बताए हमें क्या बनता है।
आके रेडी हो गए। खोला तनी खोल दे तो। हाँ लूज करो पीछे। छोटी है। बस। छोटा। ये वाली ट्राई करो। ये वाली हाँ। दो। अंचल लाई है। अंचल गए रहे। वगैरह जो पहनाने थे बच्चों को सब पहना दिए। कपड़े के अलावा और क्या पहनाए हैं बताओ, दो तीन चीजें। सोने की लाइकिट है, हाथ के कंगन है और पायल है, करधनी। अच्छा, लड़का लोग का बच्चों हाँ लड़कन का गले के पहनावागा है, हाथ के पहनावागा है, कमर के करधनी है, एक बब्बू का पायल। और भाई हो गई है शाम, अब लग रही है सबको भूख, थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे। खाना भी लगभग सारा बन गया है, कचौरी तल रहे हैं गर्मा गर्म, तो आधे घंटे मुझे लग रहा है लगेगा। प्रसाद सबको दो, सबको। फाइनली खाना आ गया, कचौड़ी सब्जी सलाद, अब बाकी अभी इधर से आ रहा है, देखो रखा है सब, टाइम लगेगा। सारे लोग खा रहे हैं, अकेले हम नहीं खा रहे। ये आखिरी आदमी अभी तक खा रहा है, खाए जा रहा है, जितना खाना बचा हुआ है सब खत्म कर देगा।